नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। केसरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 8 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि 8 दिन में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने 8 बड़े रिकॉर्ड झटक लिए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, केसरी शानदार 8 दिन पूरे कर चुकी है। शुरुआती 8 दिन में ही फिल्म ने ये 8 रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों में से पहले दिन सबसे बड़ी रकम जुटाकर पहले नंबर पर पहुंच चुकी है। पहले दिन इस फिल्म ने 21 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि इस साल अब तक की सबसे बड़ी रकम है। वहीं अक्षय कुमार की ये फिल्म होली के मौके पर रिलीज हुई थी। खास बात ये है कि पहले ही दिन और एन होली के दिन रिलीज होने के बावजूद इसने बम्पर कमाई की। इस लिस्ट में आकी की फिल्म ने वरुण धवन की बद्रीनाथ की दुल्हनिया के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। इस साल रिलीज हुई अक्षय कुमार की इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। पहले वीकेंड ही केसरी ने 78 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए गली बॉय को पीछे धकेल दिया है। ये फिल्म रिलीज के बाद महज 7वें दिन ही 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुकी है। इस दौड़ में केसरी ने रणवीर सिंह की गली बॉय और अजय देवगन की टोटल धमाल को भी पीछे कर दिया है। अब तक सबसे ज्यादा 100 करोड़ी फिल्में देने का रिकॉर्ड सलमान खान के पास शुमार था। सुपरस्टार सलमान ने अब तक 1300 करोड़ी फिल्में दी है, जबकि अक्षय कुमार ने 1100 करोड़ी फिल्में देकर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। अजय देवगन की गोलमाल अगेन के बाद अक्षय कुमार के साथ आई परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी उनके करियर की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है। इसके अलावा साल 2019 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की ये फिल्म इस साल की 4थी 100 करोड़ी फिल्म भी बन चुकी है। इससे पहले इस लिस्ट में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, टोटल धमाल और गली बॉय जैसी फिल्में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको केसरी कैसी लगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।